वाह 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 वाह, कुंडी मुच्छा है। ओहो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। सो गाइस, कल रात को हम घर आए, बहुत ज़्यादा थकावट थी और मेरे से तो उठा ही नहीं गया सुबह। और सिमरन नबू तो अभी सो रहे हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया है, नाश्ता वाश्ता ब्रेकफास्ट लंच सब कर चुके हैं। मैं तो उठा ही 2 बजे था, उसके बाद मैंने ब्रंच किया और अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ करोल बाग। तो मेरे को 2 दिन काम थे, वो मैं सोचा निपटा लूँ, आज मैं घर पर हूँ। तो सो बस अब मैं निकल गया हूँ और थोड़ी देर तक मैं करोला पहुँचूंगा, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। भाई अभी हम पहुँचने वाले करोला पर, यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है, ये देखिए मैं 15 मिनट से ये फंसा हुआ जैसे ट्रैफिक के अंदर। और ये लोग हैं जो कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, इतनी देर हो गई है। सो फाइनली गाइस, मैं इतने जाम के बाद करोल बाग पहुंच गया हूँ। सो गाइस, करोल बाग हमारी दिल्ली की सबसे बेस्ट मार्केट है, और आपको कोई भी चीज़ चाहिए बस यहाँ पहुँच जाओ और आपको मिल जाएगी, और भी सही रेट्स में। गाइस मुझे सबसे पहले काम है जो लैपटॉप में लगवाना है स्क्रीन गार्ड, और एक USB लेनी है, और 2 दिन छोटे मोटे काम है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ पर पता लगा सकते हैं? यह मेरा लैपटॉप और स्क्रीन गार्ड लगने वाला है इसके ऊपर, तो देखो आप। सो गाइस, मैं घर पहुंचा, अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे बंगला साहिब, और सारे जा रहे हैं, सिमरन भी जा रही है, बुआ भी जा रही है और मम्मी भी जा रही है। हेलो तो कर दो भाई। हेलो, बहुत बढ़िया, नबू भी हेलो कर दे। और पापा को हम लेंगे रस्ते में से, और उसके बाद पापा भी हमारे साथ जाएंगे गुरुद्वारे। सो पापा को हमने ले लिए है और हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब, हेलो कर दो। हेलो यार, सुबह करोल बाग के लिए निकला तब जाम, अब गुरुद्वारे जा रहे हैं सारे तो फिर भी जाम। दिल्ली में तो हर जगह जाम ही रहता है, इस जाम का क्या करें, आबादी इतनी है। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। 1664 में जब दिल्ली में चेचक की महामारी फैली हुई थी, तब 8वें गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी ने इस जगह आके अमृत कुंड प्रकट किया था और चेचक की महामारी को दूर किया था। आज भी लाखों लोग अपने दुखों को दूर करने यहाँ आते हैं। श्री हरकिशन ते आइए, जिस जिठे सब दुख जाए। तो गाइस, अब हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने, और मैंने आइसक्रीम ले ली है और हम खाए। गाइस अब मैं घर पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लेके आया मैं करोल बाग से। सो गाइस, करोल बाग से आने के बाद हम चले गए थे गुरुद्वारे बंगला साहिब दर्शन करने के लिए, तो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं करोल बाग से क्या लेके आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। सो गाइस, मैं करोल बाग से लेके आया हूँ डिजीटेक का लाइट वेट DV ट्राईपॉड, जिसका मॉडल नंबर है DTR 260 GT। तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुको आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस, पहले तो उसके साथ हमको ये दिए, एक इसकी जो ये है स्टैंड बन जाता है, फ्लेक्सिबल है, ये देखो आप, ये पूरा फ्लेक्स हो सकता है, जैसे मर्जी आपको करना है, मतलब जैसे भी आप कर सकते हो, इसको टेढ़ा कर सकते हो, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। इसके साथ एक दिया है ये स्टैंड, इसका जो ऊपर लगता है, एक वर्टिकल है जिसके आप वर्टिकल लगाना है, और एक हॉरिजेंटल आपको लगाना तो हॉरिजेंटल भी लग सकता है। इसके अंदर 2 है, एक ए पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो ये हॉरिजॉन्टल भी लग सकता है, और मैं इसको लगा रहा हूँ वर्टिकल, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं सेट कैसे करती हैं। तो एक मिनट को आप, ये मैंने इसको लगा दिया है वर्टिकल, सो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो है कि इसके साथ एक ब्लूटूथ रिमोट, जो कि आप कहीं अगर 10-20 मीटर दूर बैठे हो तो आप इसका ब्लूटूथ ऑन करके इससे आप एक टच कर सकते हो, जैसे कि आपने वीडियो बनानी है तो उस पर फ़ोन पे वीडियो में जाके इसको आप टच करोगे तो आपकी वीडियो शुरू हो जाएगी। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, वेट करो आप। तो मैं अपना मोबाइल लेके आ रहा हूँ, सो मैं पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ के साथ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। ये मेरा ब्लूटूथ इस तरह कनेक्ट होने वाला है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा।
सो गाइस मेरा ब्लूटूथ इसका कनेक्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको लगाया जाता है और कैसे इसको ऑन करते हैं। तो मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया है, सो मैं इसको लगाने के तरीके के साथ इसको हमेशा ऐसे करके इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पर हमने चला दिया वीडियो। सो एक मिनट, सो गाइस अगर मेरे को वीडियो चलानी है तो मैं इसका ये बटन दबाऊंगा और यहाँ से चल जाएगा, वीडियो ऑन होगी। देखो ये वीडियो होगी ऑन, और इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से पॉज कर दूंगा तो यहीं से ये पॉज हो जाएगी, तो ये वीडियो होगी पॉज। तो वीडियो मेरी बन चुकी है। सो गाइस इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं मतलब, और ये लाइट वेट है, और अगर आपने इसमें लाइट वेट का कैमरा लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, सिर्फ लाइट वेट का 1 kg से जो नीचे है। तो ओवरऑल ये अच्छा है मतलब, जैसे कि हम अभी पीछे मनाली गए थे तो हमें बड़ी दिक्कत आई थी कि हम वीडियो शूट करने में हमको बार बार ऐसे हैंड पकड़ के कैमरा मोबाइल पकड़ना पड़ रहा था, हम इससे हम बहुत इजीली अब मोबाइल कनेक्ट करके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस होप करते हैं आज का हमारे व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो जिन्होंने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा बिल्कुल मत जाना, और साथ में बेल आइकन को दबाना और हमारे चैनल को फटाफट से 1K तक लेके जाना। सो टिल देन बाय 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 बाय।